बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से मेकर्स ने फिलहाल इसे टाल दिया है। इस फिल्म में साउथ के दो सुपरस्टार रामचरण तेजा, जिन्होंने मगधीरा और ब्रूसली जैसे फिल्म में लोगों का दिल जीत लिया था, वही दूसरी ओर जूनियर एनटीआर, जो कि इंडिया के टॉप डांसर और अपने वन टेक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, वो केवल एक बार समझाने पर दोबारा टेक नहीं लेते। ये दोनों ही सुपरस्टार इस फिल्म में लीड रोल में हैं। इनके अलावा बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन, जिन्हें अपनी टेढ़ी गर्दन के कारण जाना जाता है, वही दूसरी ओर आलिया भट्ट, जो की अजय देवगन के साथ गंगूबाई काठियावाड़ा में लीड रोल में है, ये दोनों इस फिल्म में काम कर रहे हैं। अजय देवगन और आलिया भट्ट का फिल्म में ज्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने ही मेकर से मोटी रकम वसूल की है। बॉलीवुड में अजय देवगन जहां 25 करोड़ पर मूवी चार्ज करते हैं, वही इस मूवी में अजय सर ने मौज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिल्म में अजय देवगन को 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो काफी बड़ी रकम है। वही आलिया भट्ट ने अपने छोटे से रोल के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज किए है। फिल्म में आलिया भट्ट का सीन 20 मिनट से भी कम है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इसके लिए मोटी रकम वसूली है। वही अजय देवगन ने इस फिल्म की शूटिंग केवल 7 दिन में कंप्लीट की थी। इसके लिए अजय देवगन ने बतौर फीस 35 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। कहा जाता है कि साउथ स्टार से भरी इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को इसलिए जगह दी गई क्योंकि दोनों की ही नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, कुछ दिनों पहले डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक इंटरव्यू में फिल्म से जुड़ी कई अहम बातें बताई थी। उनके मुताबिक आरआरआर में स्पेशल इफेक्ट्स वाले सीन को फिल्माने में हर दिन करीब 75 लाख रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने बताया कि वो सीन इंटरवल से पहले किया जाता था, जो 65 दिनों तक फिल्माया गया था। इस सीन में रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर थे। बता दे कि 75 करोड़ रुपए के हिसाब से 65 दिनों तक इस सीन को फिल्माने में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिल्म का कुल बजट 400 करोड़ रुपए है, जबकि इसके प्रमोशन में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आरआरआर दो क्रांतिकारियों अल्लूरी सीतारामन राजू और कोलाराम भीम के कहानी पर बेस्ड मूवी है। इन दोनों ही लोगों ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी और भोसड़ी वाले अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। यह फिल्म इमोशनल होने के साथ साथ एक्शन और ड्रामा का कम्प्लीट पैकेज है। बता दे कि मेकर्स ने ट्रेलर के पहले ही फिल्म के दो गाने रिलीज कर चुके हैं। जनानी सॉन्ग देशभक्ति से लबरेज है, जबकि दूसरा गाना नाचो नाचो में क्रांतिकारी अल्लूरी सीतारामन राजू और हैदराबाद के कोलाराम के बीच रिश्तों की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। इस फिल्म का बजट बाहुबली से 2 बार अधिक है और बाहुबली के डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज होगी। तो इस बार ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना धूम मचाएगी कि लोग शायद इसी मूवी के डायलॉग्स कॉपी करें और ये फिल्म इंडिया की टॉप फिल्म बन जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक करें, एम करते हैं 10 लाइक का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।